दूसरी लहर सहने के बाद अब राजधानी पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में 158 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10 लोगों की जान कोरोना के कारण गई है, जो कि 9 अप्रैल के बाद सबसे कम मौतें हैं। वहीं संक्रमण दर भी घटकर 0.20% रह गया है, यानी कि अब 1000 लोगों की जांच होने पर सिर्फ 2 लोग ही संक्रमित मिल रहे हैं। कोरोना की रफ्तार ढीली पड़ने के बाद दिल्ली एम्स ने शुक्रवार को ओपीडी के साथ साथ इलेक्टिव सर्जरी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पहले जहां एम्स में 300 से अधिक बेड कोरोना मरीजों के लिए तैयार किए गए थे, तो वहीं अब अस्पताल में कोरोना के 11 मरीज भर्ती हैं, जिसके बाद ही एम्स द्वारा ये फैसला लिया गया है। हालांकि ओपीडी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर डीके शर्मा ने बताया कि सभी प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वह तैयारी शुरू कर दें और नए व पुराने मरीजों की सूची बनाकर भेजें। इसके अलावा एम्स में गंभीर मरीजों को भी आपातकालीन विभाग के माध्यम से भर्ती करना शुरू कर दिया गया है। शुरुआत में मरीजों की संख्या कम रखी जाएगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे संख्या में इजाफा भी होता हुआ नजर आएगा। ओपीडी के साथ साथ सर्जरी के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिन मरीजों को सर्जरी की जरूरत है, उन्हें निजी या जनरल वार्ड में भर्ती किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी मरीजों की सर्जरी इमरजेंसी के माध्यम से ही हो रही है। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ।